जानवरों के साम्राज्य में बड़ी संख्या में सुंदर और खतरनाक जीव होते हैं जिन्होंने युगों से अपने आसपास की दुनिया के अनुकूल होना सीखा है। और यह पूरी तरह से अच्छा है क्योंकि अगर वे हमारे यार्ड में आते हैं तो हम उन्हें मार सकते हैं। लेकिन इसमें से कुछ जानवर ऐसा है जिन्हें मारना बेहद मुश्किल है। आज हम ऐसे 10 जानवर के बारे में बताने जा रहे हैं जिन्हें मारना बेहद मुश्किल है। नंबर 10, अफ्रीकन जायंट स्नेल। इसे सबसे विनाशकारी में से एक भी माना जाता है। मूल रूप से पूर्वी अफ्रीका में रहने वाला ये घोंघे दुनिया के सबसे बड़े भूमि घोंघे में से एक है, जिसकी लंबाई 8 इंच तक होती है। प्रत्येक घोंघा 9 साल तक जीवित रह सकता है। इन प्रजातियों को खत्म करना मुश्किल है क्योंकि उनके पास कोई प्राकृतिक शिकारी नहीं है और वे तेजी से प्रजनन करते हैं। एक घोंघे प्रति वर्ष 1200 से अधिक घोंघे पैदा कर सकते हैं। विशालकाय अफ्रीकी घोंघे भी कई पौधों और जानवरों के रोगजनकों को ले जा सकते हैं, जिसमें एक परजीवी निमेटोड भी शामिल है जो मनुष्यों में मेनिनजाइटिस पैदा करने में सक्षम है। नंबर 9, लंगफिश। लंगफिश में कई चीजें हैं जो खुद को गहरे के अन्य प्राणियों से अलग करती हैं। लंगफिश सबसे पहले एक ऐसी मछली है जो अच्छी तरह से हवा में सांस ले सकती है। मछली 6 महीने ज्यादा पानी के बिना रह सकते हैं। ये मछलियाँ 10 किलोग्राम तक के आकार में विनम्र हो जाती हैं और लंबाई में 1.25 मीटर तक बढ़ जाती हैं। एक बार एक लंगफिश को मिट्टी से भरे सिलेंडर में रखा गया था और वो सिलेंडर खो गया था, लेकिन 6 महीने के बाद सिलेंडर को मिला तब उन्होंने देखा कि मिट्टी 100% सख्त हो चुकी है और लंगफिश को सांस लेने के लिए कोई हवा नहीं है। लेकिन जब खुला तब देखा कि लंगफिश जीवित थी और लात मार रही थी जैसे कि 6 महीने पहले था। नंबर 8, जेलीफिश। जेलीफिश को नुकसान पहुंचाना आसान है लेकिन जेलीफिश को मारना मुश्किल है। जानवरों के साम्राज्य में जेलीफिश ऐसे एक मछली है जिसने स्पष्ट रूप से जैविक अमरता के रहस्य को खोल दिया है। जेलीफिश में एक बहुत ही अनोखी क्षमता है जो इसे अमर होने की अनुमति देती है। जेलीफिश ने 2 घंटे में छेद और बड़े जख्म तक पुनर्प्राप्त करने योग्य होते हैं। जेलीफिश भोजन के बिना हफ्तों तक जीवित रह सकती है। नंबर 7, कॉकरोच। दुनिया में तिरचट्टे की 4500 से अधिक प्रजातियां हैं, लेकिन इनमें से लगभग 30 प्रजातियां ही मनुष्यों के आसपास रहती हैं। कॉकरोच के पास बेहद मजबूत और लचीले एक्सोस्केलेटन होते हैं जिस बच से वो आसानी से पलायन कर सकते हैं। कॉकरोच के पूरे शरीर में छोटे छोटे छिद्रों से सांस लेते हैं, इसलिए सांस लेने के लिए उनके सिर की जरूरत नहीं होती है। हालांकि तिलचट्टे 1 सप्ताह के बाद बिना सिर के मर जाएंगे क्योंकि उन्हें भोजन और पानी के लिए मुंह की जरूरत होती है। इसके पास ऐसा सक्षमता है कि मादा कॉकरोच को प्रजनन के लिए हमेशा नर की जरूरत नहीं होती है। नंबर 6, हनी बेजर। हनी बेजर भले ही उनका औसत आकार केवल 20 से 35 पाउंड होता है और लंबाई में 3 फीट से कम होता है, अविश्वसनीय रूप से सख्त स्किन होती है, लगभग 4 इंच मोटी और तीखी होती है जो उनकी रक्षा करती है और चोटों को दूर रखने में मदद करती है। उनकी त्वचा की कठोरता और ढीलेपन के कारण हनी बेजर्स को मारना बहुत मुश्किल होता है। हनी बेजर एक अथक जानवर है और हालांकि यह वास्तव में एक शिकारी के खिलाफ लड़ाई में हार सकता है, लेकिन तब तक नहीं रुकेगा जब तक यह मर नहीं जाता है या जब तक इसका हमलावर मर नहीं जाता है। अगर आपको ये जानकारी अच्छी लग रही है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। नंबर 5, अफ्रीकन एलिफेंट। अफ्रीकी हाथी जमीन पर सबसे शक्तिशाली प्राणियों में से एक है और पूरे ग्रह पृथ्वी पर निश्चित रूप से हम सभी जानते हैं कि अफ्रीकी हाथी वास्तव में दुनिया में हाथी की सबसे बड़ी प्रजाति है जो इसे दुनिया का सबसे बड़ा जमीनी जानवर बनाती है। एक हाथी 30 मील प्रति घंटे की गति से चार्ज कर सकता है जो घायल होने पर उन्हें खतरनाक बना देता है। ये इतना खतरनाक है कि उसके पास जाना और अपने मौत को दावत देना एक ही बात है। नंबर 4, हिप्पोस। जबकि हाथी भूमि पर सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है, हिप्पो पानी में सबसे शक्तिशाली चीजों में से एक है जो आपको अफ्रीका में मिलेंगे और उन्हें मारना उतना ही कठिन है क्योंकि वे जमीन पर भगदड़ कर सकते हैं। वे पानी में भी चोरी छिपे हैं और दस्तक दे सकते हैं नावें जो उनके क्षेत्र में प्रवेश करती हैं। हिप्पो की शक्ति भी उसके मुंह तक फैली होती है जो नावों को तोड़ने में सक्षम होती है और यहाँ तक कि लोगों को आधे में काट भी सकती है। अनुमान है कि हिप्पो हर साल अफ्रीका में लगभग 500 लोगों को मारते हैं। नंबर 3, शार्क। शार्क मनुष्यों पर हमला करने के लिए जाने जाते हैं जब वे भ्रमित या जिज्ञासु होते हैं। यदि एक शार्क किसी मानव को पानी में छींटे मारते हुए देखती है तो वह जांच करने का प्रयास कर सकती है
जिससे आकस्मिक हमला हो सकता है। अधिकांश शार्क उनके शरीर का तापमान ठंडे पानी के तापमान की तरह ठंडा होता है जिसमें वे तैरते हैं। लेकिन अधिकांश शार्क के विपरीत महान सफेद शार्क आंशिक रूप से गर्म रक्त वाले होते हैं जिससे वे शिकार का शिकार करते समय तेजी से आगे बढ़ सकते हैं। यह 11 मीटर तक लंबी और 7 टन तक वजनी हो सकती है जो एक डबल डेकर बस के आकार और वजन के बराबर। नंबर 2, वाटर बियर्स। जल भालू वास्तविक भालू के साथ भ्रमित नहीं होना चाहिए। जल भालू एक सूक्ष्म प्रजाति के लिए एक उपनाम है जिसे टार्डिग्रेड के रूप में जाना जाता है। न केवल दुनिया का सबसे छोटा जानवर जो 1.5 मिलीमीटर से छोटा है और केवल एक माइक्रोस्कोप में दिखाई देता है, टार्डिग्रेड भी सबसे अविनाशी जीवों में से एक है। वे गर्म झरनों के अंदर समुद्र के तल पर रहते हैं और यहाँ तक कि माउंट एवरेस्ट जैसे पहाड़ों की चोटी पर भी रहते हैं। दुनिया भर में लगभग हर जगह वैज्ञानिकों ने उन्हें अपने प्रतिरोध का परीक्षण किया लेकिन कामयाब नहीं हुआ। अंतरिक्ष के निर्वात में और वहाँ मनुष्य कुछ मिनट भी नहीं टिक सकते थे। अंतरिक्ष का निर्वात सबसे घातक स्थानों में से एक है जिसकी कल्पना की जा सकती है, लेकिन ये जीव इसके माध्यम से भी जीवित रह सकते हैं। नंबर 1, रोटिफर्स। ऐसे कई पहलू हैं जो बेड लॉयड रोटिफर्स को सबसे अनोखे जानवरों में से एक बनाने में योगदान करते हैं। यहाँ पृथ्वी पर वे बहुत छोटे हैं। ये इतना छोटा है जिन्हें नग्न आँखों से नहीं देखा जा सकता है। वे छोटे सफेद डॉट्स के रूप में दिखाई देते हैं। रोटिफर्स अधिकतर साधारण स्वच्छ जल में रहते हैं, कुछ खारे पानी में रहते हैं और कुछ समुद्र में भी पाए जाते हैं। मनुष्यों पर रोटिफर्स के कोई ज्ञात प्रतिकूल प्रभाव नहीं है। ये छोटे होने के बच्चे इसको आसानी से नहीं मार सकते। आशा करता हूँ कि आपको ये दी गई जानकारी पसंद आया होगा। जाते जाते लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए।